कुछ तो बात है इस मोहब्बत में, नहीं तो आज भी इसकी दास्तां ये पत्थर नहीं सुनाते। यूं तो भाषाएं अलग है दुनिया भर में, लेकिन प्यार की भाषा बिन सुने लोग इस मकबरे को देखकर ही समझ जाते। 7 अजूबों में से एक भारत की है ये शान, लेकिन क्या फिर भी अपने देश में इस अजूबे से हम है अनजान। So, अगर आप अनजान हैं, आप भी उनमें से हैं जो अभी तक ताजमहल नहीं गए हैं, तो डोंट वरी, सिस्टर्स वर्सेस ग्लोब आज आपको लेके जा रहे हैं ऑन अ वर्चुअल टूर ऑफ ताजमहल। और अगर आप ताजमहल गए हैं, जो आई एम श्योर बहुत लोग गए होंगे, तो लेकिन हमारे साथ तो पहली बार है ना, सो लेट्स गो। अभी बज रहे हैं सुबह के 6, जैसे हमने आपको बताया था, और हम पहुंच गए हैं ताजमहल। एक्चुअली ताजमहल की तरफ जो रोड जाती है उसमें हैं हम, और ये यहाँ से बस 300 मीटर्स दूर है, और बहुत अच्छी रोड बना रखी है इन्होंने यहाँ पे। बैरीगेट्स लगे हुए हैं, सिक्योरिटी है, बीच में वॉशरूम है, तो सब कुछ बहुत ही नीट और अच्छा है। यहाँ ताजमहल के बिल्कुल पास ही ओबरॉय अमर विलास है, जो आगरा का सबसे बड़ा होटल है, एंड यहाँ पे उसका आई थिंक प्राइम लोकेशन है, और प्रॉपर्टी भी काफ़ी सुंदर है। अभी आगरा में हम लोगों को लगा था हम ही बहुत तैयार हो गए, हमने एक्चुअली कैजुअली बस एक थोड़ा सा स्कर्ट एंड थोड़ा दुपट्टा लिया है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो ग्रुप में एकदम तैयार होके आए हैं, एकदम साड़ी पहन के। वर्ल्ड के वंडर्स में आता है ये, तो इतना तो हम एफर्ट डाल ही सकते हैं। Exactly. यहाँ पे बहुत सारे आपको टेम्पोज भी मिलेंगे, जिसका जो है फॉर वन सीट द प्राइस इज 10 रुपीज, तो वो भी आप अगर नहीं चलना चाहते तो अच्छा वैसे चला। तो यहाँ पे बहुत लोग मॉर्निंग वॉक के लिए आए हैं, तो वो लोग सुबह सुबह यहाँ पे आके, क्योंकि ये एरिया जो है ना, ये जो स्ट्रीट है एकदम पेबल स्ट्रीट है, और बहुत ही आई थिंक आगरा का सबसे साफ सुथरा एरिया यही है अभी तक तो हमें, काफ़ी ऐसा कोई इतना साफ एरिया, इतना पॉश एरिया नहीं दिखा, सो ये सबसे पॉश एरिया है। जो रास्ता ताजमहल की ओर जाता है, वहाँ कई स्पॉट्स पे बोर्ड्स लगे हैं बताने के लिए मॉन्यूमेंट की हिस्ट्री के बारे में। एक ऐसे ही बोर्ड ने हमारा ध्यान कैप्चर किया, एंड हमारे मम्मी पापा ने खिंचवाई उसके सामने एक पिक्चर। टिकट बुकिंग काउंटर जो बंद लग रहा है इतना सुबह सुबह, तो हमने तो थैंकफुली ऑनलाइन बुक कर लिया था। ताजमहल एंड इनफैक्ट आगरा के सभी मॉन्यूमेंट्स की टिकट आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं, और अगर आपने ऑनलाइन नहीं खरीदी तो ऑन द स्पॉट भी स्कैन एंड पे का ऑप्शन है। ये काफ़ी कन्वीनियंट है, एंड अंदर प्रवेश करने से पहले आपको बता दें यहाँ पे क्या क्या चीज़ें नहीं ले जा सकते, बाकी सब तो काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, लेकिन डायरी भी अंदर अलाउड नहीं है। सही टाइम पे आ गए ना, धीरे धीरे। तो सुबह सुबह एकदम खाली हमें मिल गया ये, थैंकफुली, मतलब कोई भी नहीं है यहाँ पे। तो बहुत यहाँ पे लाइन लगती होगी, लेकिन हमको ये बिल्कुल जो है अभी बिल्कुल साफ मिल गया। हाँ
अच्छा लग रहा है। इस बोर्ड पे इम्पोर्टेंट नोटिस है अबाउट गाइड्स इन फोटोग्राफी, तो अगर आपको ये चाहिए तो इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगर आपको चिड़ियाओं की आवाज़ अच्छी लग रही है तो एंड तक वेट करिएगा, आपके लिए एक ASMR ट्रीट है। ताजमहल का एंड इनफैक्ट सभी मॉन्यूमेंट का इन आगरा टाइमिंग सनराइज टू सनसेट है, लेकिन विदाउट डाउट द बेस्ट टाइम टू गो टू ताजमहल इज इन द मॉर्निंग, क्योंकि कंपैरेटिवली आपको कम भीड़ मिलेगी, प्लस सुबह की लाइटिंग सनराइज के टाइम पे ताजमहल और भी खूबसूरत लगता है और वेदर भी अच्छा होता है। तो ये इजिप्शियन है, इजिप्ट से मंगाई थी, प्रेजेंट की थी, तो ये भी करीब करीब। सो चलिए आपको ताजमहल हर एंगल से दिखाते हैं और बताते हैं उसके बारे में कुछ फैक्ट्स जो शायद आपने सुने हो और शायद ना सुने हो। ताजमहल से बड़ी लव स्टोरी इंडिया में शायद ही कोई होगी। जब भी कोई पत्नी अपने पति से कुछ मांगती है तो बोलती है मेरे लिए ताजमहल बना दो। ताजमहल एक्चुअली शाहजहां ने अपनी फेवरेट बेगम मुमताज महल के लिए बनाया था। कहते हैं मुमताज महल का मूड बहुत बदलता था और उसी को दिखाने के लिए इस मॉन्यूमेंट का भी कलर चेंज होता है। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट मॉन्यूमेंट डिफरेंट ह्यूज में दिखता है। ताजमहल बनाने में लगभग 20 साल लगे और 22,000 लेबरर्स एंड आर्टिस्ट लगे। कहा जाता है कि इसका सामान लाने के लिए जो भी कंस्ट्रक्शन में यूज हुआ है 1,000 हाथियों का यूज हुआ था। एक पॉपुलर रूमर ये भी है जो आप सभी ने सुनी होगी कि जितने भी कारीगरों ने ताजमहल बनाया था उनके हाथ काट दिए गए थे। हमारे हिसाब से इसका मतलब ये है कि हाथ तो नहीं काटे होंगे, लेकिन उन्हें अलाउड नहीं था कि वो ऐसा मॉन्यूमेंट दोबारा बना सके। ताजमहल को बिल्कुल सिमेट्रिकल बनाया गया है। जो चीज़ वेस्ट में है वही चीज़ ईस्ट में है। इसकी वॉल्स, मिनरल्स, इवन गार्डन तक सिमेट्रिकल है। अगर आप देखेंगे तो वेस्ट साइड में एक मॉस्क है जो मेका की ओर है एंड ईस्ट साइड में जो सेम रेप्लिका है वो है गेस्ट हाउस। ताजमहल की बाउंड्री में जो टावर्स हैं उनको आउटवर्ड डायरेक्शन में बनाया गया है ताकि इन केस ऑफ नेचुरल डिजास्टर लाइक अर्थक्वेक ये बाहर की तरफ गिरे। क्या आप जानते हैं World War II के टाइम पे ताजमहल को बैम्बू मचान से कवर किया गया था ताकि फाइटर प्लेन्स को ये पता ना चले कि यहाँ पे ताजमहल है और इस मॉन्यूमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके। सिमिलर चीज अपनाई गई थी 1971 पाकिस्तान वॉर एंड आफ्टर 9/11, तब इसको ग्रीन कपड़े से कैमोफ्लाज किया गया था। इस मॉन्यूमेंट के यमुना के पास होने का एक और मकसद है कि यमुना का पानी इसका टिम्बर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग रखता है। एंड ऑफकोर्स आप जानते ही हो कि शाहजहां एक ब्लैक ताजमहल बनाना चाहते थे, एटलीस्ट ये कहा जाता है, लेकिन हिस्टोरियंस इस बात को बिलीव नहीं करते बिकॉज इसका कोई प्रूफ नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं ताजमहल की वीडियो में कुतुब मीनार कहां से आ गया, तो वो इसलिए क्योंकि ताजमहल 73 मीटर हाइट 5 फीट लंबा है कुतुब मीनार से। ये इस्तांबुल के हागिया सोफिया से भी टॉलर है। कभी सोचा है ताजमहल इससे भी खूबसूरत लग सकता था? लगता होगा जब इसकी वॉल में लाखों प्रेशियस स्टोन्स थे जो ब्रिटिश आर्मी ने 1857 रिबेलियन के बाद निकाल लिए थे। शाहजहां का सारा ध्यान ताजमहल को सुंदर बनाने में चला गया और इसी दौरान उनके बेटे औरंगजेब ने आगरा पे हमला कर दिया। जब शाहजहां से पूछा गया कि उनकी ख्वाहिश क्या है, तो उन्होंने बोला उन्हें ऐसी जगह रखा जाए जहां से उन्हें ताजमहल दिखे। तब उनको रखा गया आगरा फोर्ट पे, जहां दूर से दिखता है ताजमहल का एक खूबसूरत व्यू। इसीलिए इस मॉन्यूमेंट को कहा जाता है सिंबल ऑफ लव, क्योंकि ये शाहजहां का प्यार ही था मुमताज के लिए, जिन्होंने उनको इतने साल जिंदा रखा रियासत छीनने के बाद।
अभी हम अपना ताजमहल जो है पूरा घूम कर आए हैं। आई थिंक हम लोग कुछ 6:30 के अराउंड पहुंचे थे और हमको कुछ 1.5 घंटा लग गया ना पूरा घूमने में। 20 हो गए तो हाँ, आपको 2 घंटे तो लगेंगे। बहुत बड़ा है, इतना खूबसूरत है। इनफैक्ट अंदर भी आप जा सकते हैं, इसका 200 रुपीज एक्स्ट्रा अगर आपको टोम देखना है तो। एंड बहुत ही सुंदर है। हम लोग जब आए थे ना तो उससे तो और भी ज्यादा मुझे लगता है इतना वेल प्रिजर्व्ड हो गया है। बहुत सारे रिस्टोरेशन वर्क भी हो रहा है, लेकिन काफी साफ सुथरा रखा हुआ है, इससे हम काफी इम्प्रेस्ड हैं। खूबसूरत लग रहा है, भीड़ भी उतनी नहीं है और सुबह आ जाओ ना वो सही टाइम रहेगा, आप थोड़ा सनराइज भी देख सकते हो। और जो खूबसूरती तो चमक है ताजमहल का वाइट मार्बल का, वो बहुत ही अमेजिंग। तो बहुत ही परफेक्ट टूर था। आप बताइएगा कि आप लोग आखिरी बार कब गए थे आगरा और आपको कौन सी सबसे सुंदर लोकेशन लगी आगरा की। पूरा आगरा एंड ऑफकोर्स ताजमहल गाइड से भरा पड़ा है, जो आपको पर्सुएट करेंगे कि आप गाइडेड टूर लीजिए। आप प्रिपेयर होके जाइएगा, अगर आपको गाइड लेना होगा तो ले लीजिए, अदरवाइज डू योर रिसर्च। ये होता है सुबह सुबह आ गए बिल्कुल सही टाइम पे, मतलब वेदर भी अच्छा हो रहा था, भीड़ भी कम थी और हमारा काम इतनी जल्दी खत्म हो गया, ब्रेकफास्ट भी कर लिया।